इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ये क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को भी डिस्क्राइब कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अ फोर्स पर यूनिट चार्ज, सो इसके यूनिट क्या होगी, न्यूटन पर कूलम। फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, लिहाजा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। फोर्स का हम लोग यहाँ पे ये जो कूलम फोर्स है इसकी ये वाली वैल्यूज पुट इन करेंगे। यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं, एक क्यू है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्यू नॉट, ये टेस्ट चार्ज है, ये इस फिगर्स में ये दोनों चार्जेस जो हैं ये डिस्क्राइब हुए हैं। ये पॉजिटिव चार्ज क्यू है, ये टेस्ट चार्ज क्यू नॉट है जो इसके करीब लाए थे। तो ये जो फोर्स है ये वही कूलम फोर्स है, बस यहाँ पे चार्जेस को हम लोगों ने अपनी सिचुएशन के मुताबिक उस तरीके से रिप्रेजेंट लिखा है या उसी तरीके से लिखा है चार्जेस को। फिर इस फोर्स को इसमें जब हम पुट इन करेंगे, देखें ये फोर्स क्या थी, ऑलरेडी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, ये वाला जो क्यू नॉट है ये वाला क्यू नॉट है, ये वाला क्यू नॉट इस वाले के साथ कैंसल आउट हो गया, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में सिर्फ एक क्यू रह गया। बाकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और फोर्स का फार्मूला तकरीबन सेम है, सिर्फ फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, इसमें एक चार्ज है, इसमें दो चार्जेस का प्रोडक्ट है। अब हम लोग एक एग्जांपल देख लेते हैं। एग्जांपल में क्या है, टू पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। दो चार्जेस Q1 और Q2 3 मीटर की डिस्टेंस से एक दूसरे से दूर हैं, as shown in figure 12.5, find the spot on the line joining the two charges। कह रहा है एक ऐसा स्पॉट फाइंड करें इस वाली लाइन में जो दोनों चार्जेस को क्या कर रही है, जोड़ रही है। एक ऐसा स्पॉट फाइंड करें जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो हो। देखें यहाँ पे जो दो चार्जेस हैं Q1 और Q2, उन दोनों की जो स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है। एक की है 16 माइक्रो कूलम, एक यानी कि Q1 की जो है वो 16 माइक्रो कूलम है, और जो Q2 है उसकी है 4 माइक्रो कूलम। अब हम यहाँ से इनके मैग्नीट्यूड से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो Q1 है वो 16 माइक्रो कूलम है, यानी कि वो ज़्यादा चार्ज है, और Q2 जो है वो 4 माइक्रो कूलम है, वो कम चार्ज है। तो एक जो चार्ज ज़्यादा है ऑब्वियसली उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और जो Q2 है 4 माइक्रो कूलम उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी। सो उसके लिए हम लोगों ने क्या फाइंड आउट करना है कि एक ऐसा पॉइंट फाइंड करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड कब ज़ीरो होगा, जब दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज जो हैं वो एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होंगी। उसके लिए क्या किया, हम लोग एक पॉइंट जो है पी Q2 के करीब जो है एक पॉइंट पी जो है उससे सपोज कर लेते हैं, लेट्स सपोज एट पॉइंट पी से Q2 तक का जो डिस्टेंस है वो डी है, और लेकिन इनका Q1 से Q2 तक का टोटल डिस्टेंस जो है वो 3 मीटर है। अब हम लोगों ने क्या कहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कहाँ पे ज़ीरो होगी, जब दोनों की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज जो हैं वो इक्वल होंगी। किस तरह से इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, हम लोगों ने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज इक्वल कर ली। अब हम लोग दोनों में उनकी कंडीशंस को पुट इन करने जा रहे हैं। देखें A1 जो होगा वो होगा KQ1 ऊपर E1, यानी Q1 चार्ज की वजह से, E2 Q2 चार्ज की वजह से। अब हमने E1 के लिए R जो है ये हम लोगों ने निकालना है। E1 के लिए जो R है वो किस तरह से निकालेंगे, ये टोटल डिस्टेंस 3 है, यानी कि हम लोग इस पॉइंट P पे हम लोग ये फाइंड करने जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉइंट P पे क्या होगा, ज़ीरो होगा। ये हमने सपोज किया है और हम इस बात को प्रूव करने जा रहे हैं। कैसे, हम लोगों ने टोटल डिस्टेंस 3 लिया, हमने अब P से Q1 का डिस्टेंस निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे, 3 में से ये वाला D जो है ये माइनस कर देंगे, तो हमारे पास P से यहाँ तक Q1 का डिस्टेंस आ जाएगा। तो ये जो E1 इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है हो जाएगी 3 माइनस D का स्क्वायर, और E2 जो होगा वो P से E2 तक का डिस्टेंस हमने पहले ही D से मेंशन किया, वो हो जाएगा D स्क्वायर। ठीक है, इसको
इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर माइनस टू टू फार्मूले का, और फिर ये वाली टर्म और फिर ये वाली टर्म, ठीक है। या इसको मैं सॉल्व करके बता देती हूँ, हमारे पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटीज आई हैं E1 इक्वल्स टू E2, E1 आया है KQ1 3 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल्स टू KQ2 ओवर डी का स्क्वायर, इज दैट ये हो जाएगा KQ1 ओवर 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस, यानी कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस फार्मूले का फार्मूला होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो ये हमारा लेट्स सपोज a है यानी कि फर्स्ट टर्म, ये b है यानी कि सेकंड टर्म, किस तरह से करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर a यानी 3 का स्क्वायर 9, फिर ये हमारा फार्मूले का प्लस, फिर सेकंड टर्म का स्क्वायर यानी कि डी स्क्वायर, फिर माइनस टू टू इंटू थ्री इंटू डी यानी कि टू इंटू फर्स्ट टर्म यानी कि ए और फिर बी वाली, तो ये हो जाएगा 60 इक्वल्स टू के क्यू टू ओवर डी का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा के क्यू वन ओवर 9 प्लस डी का स्क्वायर माइनस 6d इक्वल्स टू के क्यू टू डी का स्क्वायर। अब हम लोग यहाँ पे Q1 और Q2 की वैल्यूज पुटिंग करेंगे, और फिर यहाँ पे सिर्फ एक ही अननोन क्वांटिटी है, वो है d। हम लोगों ने d कैलकुलेट करना है, ये देखें k इस वाले k के साथ कैंसिल आउट हो गया, Q1 और Q2 की वैल्यूज पुटिंग करें, ठीक है। इनकी वैल्यूज पुट इन करने के बाद जब इसको मज़ीद सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तो आएगा डी स्क्वायर प्लस 2d माइनस 3 इक्वल्स टू 0, फिर इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो d की दो वैल्यूज आ जाएगी, एक आ जाएगी प्लस 1 में, एक आ जाएगी माइनस 3 में। इसका मतलब डी की दो वैल्यूज़ की पॉसिबल वैल्यूज़ आई हैं, एक आई है नेगेटिव वैल्यू और एक आई है पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। यहाँ पे डी की दो वैल्यूज़ आई हैं, एक पॉजिटिव वैल्यू एक नेगेटिव वैल्यू। देखें अगर तो पॉजिटिव वैल्यू होगी प्लस 1, तो वो उनका कोई ऐसा दरमियानी डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, लेकिन अगर तो नेगेटिव वैल्यू होगी माइनस 3, तो वो दोनों यहाँ पे जो दोनों चार्जेस हैं उन दोनों चार्जेस की राइट साइड पे होगी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, दोनों चार्जेस की जब राइट साइड पे होगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ई की डायरेक्शन, तो फिर तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट ही नहीं करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, इसलिए डी की वैल्यू जो है वो प्लस 1, डी की वैल्यू जब प्लस 1 होगी 1 मीटर होगी, तब ही उसका एक ऐसा सेंटर पॉइंट आएगा, यानी कि प्लस 1 जो है वो उन दोनों के दरमियान में एक डिस्टेंस है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगा, इसलिए इसकी जो डी है वो उसकी जो फाइनल रिजल्ट है वो आएगा प्लस 1। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 9th नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।